हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एसएससी वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, झारखंड छात्रों के लिए गुड न्यूज़ बताने जा रहे हैं। 7 साल के बाद 26,000 बहाली होने जा रहा है, और कब होने जा रहा है हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आप भी तैयार रहिए अपने अपने एग्ज़ाम के लिए। जैसे तो टीचर का बहाली होने वाला है, प्लस अभी आप लोग को अभी लैब का होने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, सचिवालय जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सारे एग्ज़ाम सीक्वेंस में लगा हुआ है, ठीक है। एक एक करके एग्ज़ाम होते चले जाएंगे और सबका ज्वाइनिंग एक साथ सीक्वेंस में चलता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग एग्ज़ाम को तैयारी करते रहिए। और छात्रों का डिमांड एक ही डिमांड है बस, कि फेयर तरीका से एग्ज़ाम हो। चाहे जैसे भी एग्ज़ाम लेना हो लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सालों से नहीं हुआ है। जैसे भी लेना, बस एग्ज़ाम सिर्फ फेयर तरीका से होना चाहिए। किसी तरह का धांधलीबाजी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ यदि लीक होता है तो पूरा गुनहगार या पूरा आतंक एक तरह बोला जाए तो हेमंत सोरेन जी कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके कार्यकाल में एक एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो पाया, तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप जो भी एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं बस सही तरीके से करवाइए, बस अपने रिकॉर्ड तोड़ दीजिए इस बार, ठीक है। किसी तरह का धांधली नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। होता क्या नहीं, पेपर लीक होने के बाद आदमी इतना 3-4 मिनट इतना अंडरग्राउंड होकर मेहनत करता है, और आप लोग क्या करते हैं पेपर लीक करवा देते हैं, फिर क्या करते हैं एग्ज़ाम कैंसिल कराना पड़ जाता है, फिर सारा मेहनत बेकार जाता है। आप लोग तो कुछ काम, आप लोग तो पैसा सब चीज़ तो आ ही रहा, कोई दिक्कत ना। अगले बार तो सिर्फ सत्ता में आ ही जाइएगा, या फिर नहीं आएगा तो फिर आपको मिलेगा ही पेंशन, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक बार बन गई है तो पैसा तो मिलते रहेगा सरकार की तरफ से। यही तो है यहाँ के राजनीति इंडिया का, खास करके एक बार विधायक सांसद एमएलए एमपी कुछ भी बन जाइए, उसके बाद आपको पैसा मिलते रहेगा। भाड़ में जाए जनता, ठीक है, अपना काम बनता रहे, ठीक है दोस्तों। खैर जो भी है, तो ये एग्ज़ाम फेयर तरीके से होना चाहिए। सबसे बड़ा डिमांड यही है, और लोगों को डिमांड करना भी चाहिए इससे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घटिया हरकत होता है झारखंड में, जो एग्ज़ाम के समय में पेपर लीक वगैरह होता है ना, और करवाने वाला कोई नहीं होता है, सबको पता कौन करवाता है, ठीक है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और यदि इस तरह से करते हैं तो हराम का रुपया आपके पास नहीं टिकने वाला, आज न कल कहीं ना कहीं आपसे चला जाएगा, ठीक है। और आप बहुत आगे पछताइएगा। कोई भी आदमी बता रहे हैं, कोई भी करवाता है इस तरह काम से, उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत जो मेहनत कर उसको दीजिए, अब मेहनत का जो कर रहा है उसका मतलब भी होना चाहिए कि मेहनत किया तो लिया है, ठीक है। अब पता चला मेहनत कर रहा है और अब 15-20-25 लाख रुपये दे के अभी इंजॉय कर रहा है लाइफ, पूरा किताब आप तो छुआ नहीं होगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा लास्ट में, तो ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ऐसा हो कि सेटिंग शूटिंग ना हो और जेन्युइन रिजल्ट हो, पढ़ने लिखने वाले को रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं, समय आने से पता चल जाएगा, ठीक है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 7 वर्ष के बाद फिर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। लास्ट 2015 में हुआ था दोस्तों, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधिसूचना भेजी है। इसमें कहा गया कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक प्राचार्य संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। विद्यालयों में कुल 26,000 पदों पर शिक्षक की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति का कार्रवाई झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ती नियुक्ति प्रणति नियमावली के तहत होगी। अधियाचिका पद जेएसएससी की किसी परीक्षा संचालक नियमावली के तहत नहीं आएगी, ठीक है। जेएसएससी के किसी परीक्षा संचालक नियमावली के तहत नहीं आएगी, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। करने विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर आरक्षण रोस्टर भी जेएसएससी को भेज दिया गया, ठीक है। मतलब अब इसका प्रोसेस शुरू किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जितने विद्यार्थी टीचर को लेकर जागरूक है उनका जल्दी होने वाला है, क्योंकि आरक्षण रोस्टर भेज दिया गया जेएसएससी के हाथों में, ठीक है। अगले माह जेएसएससी द्वारा नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किए जाने का संभावना है। राज्य में 7 वर्ष बाद प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके पूर्व 2015 में हुआ था। तो कहने मतलब देख सकते थे कई कोई जब एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है। टीचर का नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, वो बहुत सालों से नहीं हुआ है। सचिवालय तो एकदम बुरा हाल हो चुका है, एकदम एक ही बार अभी तक झारखंड अलग हुआ तब से एक ही बार हुआ है, ठीक है। पता नहीं कैसे सचिवालय में काम हो रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एक करप्शन तो यहीं से बढ़ रहा है दोस्तों, एक ही आदमी को 3-3-4-4 डिपार्टमेंट दे दिया, तो क्या करे, करप्शन ही नहीं करे तो क्या करे, बताइए ना। एग्ज़ाम लेने छोड़ के एग्ज़ाम लेता ही नहीं, बस डिले पर डिले करवा रहा है। पता नहीं यार पैसा एग्ज़ाम लेना क्यों नहीं चाहता, हमको ये नहीं समझ में आता है कि मंत्री लोग को यार ले लेता एग्ज़ाम, एग्ज़ाम ले लेता है, मान लीजिए सही तरीके से करता तो मुख्यमंत्री को ही तो नाम सुनने में आएगा, बड़ा किया जाएगा लड़का द्वारा कि अच्छा मुख्यमंत्री था, एग्ज़ाम लेके ज्वाइनिंग करवा दिया। और जितने भी एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं जेन्युइन तरीके से ले लेगा दोस्तों, तो वाकई जो हेमंत सोरेन के प्रति जो नाराजगी छात्रों के बीच में वो सही हो जाएगा, यदि सही तरीके का एग्ज़ाम ले लिया तो, ठीक है। लोगों को डर बना रहता है, झारखंड है ना, सबको पता है झारखंड है, तो चाय पीने जाइएगा तो वहाँ 20 लाख का बात हो रहा है, कहीं घूमने जाइएगा तो वहाँ बात हो रहा है। तो ये सब चीज़ डर लगा रहता है कि पता नहीं यार मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं कोई सीट कोई और ना ले जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों ईमानदारी से मेहनत कीजिए दोस्तों, ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा ना तो सीट वगैरह बिक भी जाएगा ना, फिर भी आपको सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारा सीट थोड़ी बेचता होगा यार, कुछ भी सीट बेचता होगा, ठीक है। तो
देखिए, मेहनत कीजिए और सफलता लीजिए, क्योंकि बहुत बेरोजगारी हो गया है और बेरोजगारी का दर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि क्या ही बताएं। ठीक है, 10-12 लाख से फॉर्म नहीं, कम नहीं गिरने वाला। ठीक है, अब जेई वाला भी देख लीजिएगा, उसका भी फॉर्म देखिए कितना ज़्यादा गिरने वाले हैं, लास्ट पता चल ही जाएगा बेरोजगारी इतना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं दोस्तों कि मेरी बात समझ में आ गया, तैयारी करते रहिए। और जीएसएससी सीजीएल का स्टूडेंट खास करके जितने वीडियो डाल रहे हैं, हालांकि उसका तो पेड बैच चल रहा है, सबको पता है 8968765101 में। ठीक है, पेपर 3 का पूरा बेहतरीन कंटेंट के साथ दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। डेली टॉपिक 4 से 5 टॉपिक दिया जाता है, आपको पढ़ना होता है, उसका पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो जीएसएससी सीजीएल का बात है। और जीएसएससी जेई का जो वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, जरूर देखिएगा दोस्तों, शायद आपको वही क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाए। पिछला बार ऐसे ही कुछ देखने को मिला था, इसलिए बोल रहे हैं। तो पेपर 1 में जो 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग, उसका भी क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लस 40 क्वेश्चन जो जीके जीएस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लग रहा है वो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका अलग से चैनल प्लेलिस्ट बना दिए, जीएसएससी जेई करके बना दिए, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।